हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में। आज हम आपके लिए लेकर आए एक वैम्पायर हंटर का ओरिजिन जिसका नाम है ब्लेड। और हम आज ये देखेंगे कि एरिक ब्रुक्स, जो कि ब्लेड का अल्टर ईगो है, वो आखिर एक वैम्पायर हंटर यानी कि ब्लेड बना कैसे। तो चलिए देखते हैं। ये एक सुपर हीरो वैम्पायर हंटर है मार्वल कॉमिक्स में, जिसे क्रिएट किया था राइटर मार्क वुल्फमैन और पेंसिलर कोलन ने। उसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था जुलाई 1973 में टॉम ऑफ ड्रैकुला के इशू 10 में। ये एक सपोर्टिंग एक्टर और एक कोस्टार दिखाया गया था, और बाद में उसकी ओरिजिन स्टोरी सामने आती है। ब्लेड इस दुनिया में आया एक ऑर्फन के तौर पर, जैसा कि बाकी सुपर हीरोज के साथ हुआ। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ अलग थी। जब ब्लेड अपने माँ के पेट में था, तब उसे एक वैम्पायर डीकन फ्रॉस्ट ने काट लिया था, और उसकी माँ उसे जन्म देते वक्त मर गई। और जब वो बड़ा हुआ उसकी माँ के एक दोस्त के साथ, तब बड़े होते होते उसने खुद को एक वैम्पायर हंटर में बदल दिया और अपनी माँ की मौत का बदला लेने वो चल दिया। काफ़ी सालों के खोजबीन के बाद वो लीडर बन गया उन जैसे ही वैम्पायर हंटर्स का, जो कि हंट करना चाहते थे ड्रैकुला को। उसने पहले एनकाउंटर किया डार्क लॉर्ड का जापान में, और उसके कुछ ही महीनों बाद ब्लेड ने ड्रैकुला को घात लगाकर मार दिया एक वुडन स्टैक के साथ। लेकिन ड्रैकुला जब वापस रिजरेक्ट हुआ उसके एक सर्वेंट के जरिए, तब उसने वैम्पायर हंटर की पूरी टीम को, जिसका लीडर ब्लेड था, सबको मार दिया। इसके बाद ब्लेड ने एक टीम ज्वाइन की जिसका लीडर था क्विनी हार्कर, जो कि एक ग्रेट वैम्पायर हंटर है। उसकी कंपनी में यानी कि उसकी टीम में थे रिचेल वैन हेल्सिंग, फ्रैंक ड्रेक जैसे लोग। और बाद में ब्लेड ने एक और टीम ज्वाइन की जो कि हनीबल किंग की थी। उसके साथ उसने फ्रॉस्ट को मार गिराया। ब्लेड, किंग और ड्रेक ने मिलकर डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद की, जो कि मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स और अर्थ सॉर्सरर सुप्रीम है। उन्होंने एक स्पेल कास्ट किया ड्रैकुला और सारे वैम्पायर्स को ख़त्म करने के लिए। और इसी दौरान जी के बाद किंग ने ब्लेड के सारे वैम्पायरिज्म का क्योर ढूंढ निकाला और उसे आज़ाद कर दिया वैम्पायरिज्म से। उसके बाद किंग ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन फर्म फॉर्म की। ये तो हो गया ओरिजिन, अब बात करते हैं पावर्स की। ब्लेड की माँ को काट लिया गया था जब ब्लेड उसके पेट में था, तब उसे एक वैम्पायर ने काटा था। इस वजह से ब्लेड किसी भी वैम्पायर के बाइट से उभर सकता है, यानी उसके पास वैम्पायर बाइट के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो चुकी है। और उसके पास ऐसी स्मेल एबिलिटी है जिससे वो सुपरनेचुरल क्रिएचर्स को आसानी से स्मेल कर सकता है। इसी के साथ उसके पास बहुत ही लंबा जीवन काल भी है, और वो ब्राइट लाइट में सर्वाइव भी कर सकता है। जब उसे मिचेल मॉर्बियस यानी कि द लिविंग वैम्पायर ने काटा, तब ब्लेड को इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो एक हाइब्रिड वैम्पायर है। उसके पास पहले से ही सुपर ह्यूमन फिजिकल कैपेबिलिटीज थी, जो कि सारे वैम्पायर्स के पास होती है, और ब्लेड ने वो सारी अब पैदा होते ही गेन कर ली थी। इस वजह से मॉर्बियस का काटना उसे कुछ ज़्यादा पावर्स दे नहीं पाया। मिचेल मॉर्बियस के बारे में जानने के लिए हमारी मार्वल ज़ॉम्बी सीरीज चेक करें, जो कि मैं आपको आई कार्ड में दे दूंगा। सुपर ह्यूमन एक्यूट सेंसेस। ब्लेड के पास देखने और सुनने की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा है कि कोई भी वैम्पायर का काबू किया गया स्लेव या नौकर उसकी बराबरी नहीं कर सकता। वो देख सकता है हाईली डिस्टेंस पर रखी गई कोई भी चीज़, और वो ऐसा अंधेरे और उजाले में दोनों में कर सकता है, जो कि कोई भी कॉमन पीपल नहीं कर सकता। ब्लेड की सुनने की ताकत भी कमाल की है। वो ऐसी आवाज़ सुन सकता है जो कि नॉर्मल पीपल सुन सकते हैं या सुन सकते भी नहीं, जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर से आती है। और ब्लेड उसी के साथ किसी भी सुपरनेचुरल बीइंग या फिर फोर्स का प्रेजेंस महसूस कर सकता है, जो कि नॉर्मल पीपल करने से रहे। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। ब्लेड सुपरनेचुरली स्ट्रांग है, और वो लगभग 1 टन तक वजन उठा सकता है। सुपर ह्यूमन स्पीड। उसकी स्पीड या फिर मूवमेंट स्पीड इतनी ज़्यादा है वो किसी भी बेहतरीन ह्यूमन एथलीट को उसमें हरा सकता है।
सुपर ह्यूमन एजिलिटी, ब्लेड की चुस्ती फुर्ती और बैलेंस और बॉडी कोऑर्डिनेट्स इतने अच्छे हैं कि वो किसी भी फिजिकल लिमिट को क्रॉस कर सकता है। सुपर ह्यूमन स्टैमिना, ब्लेड का मस्कुलेचर उसे किसी भी आम आदमी से कम थकाता है, इस वजह से वो खुद की ताकत उस हद तक बढ़ा सकता है कि उसकी थकान उसकी जान ले। रिजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर, ब्लेड फुल वैम्पायर्स और काबू किए गए वैम्पायर्स की तरह ही हील कर सकता है पर ह्यूमन से ज़्यादा तेजी से। वो छोटी मोटी कोई भी चोट हील कर सकता है, यहाँ तक कि वो कुछ भी कट जाए या फिर किसी भी बड़ी चोट से उभर सकता है कुछ ही घंटों के अंदर। लेकिन उसके पास रिजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर नहीं है, इसका मतलब कि वो किसी भी मिसिंग लिम या ऑर्गन को फिर से रिजेनरेट या फिर हील नहीं कर पाता। इम्यूनिटी टू वैम्पायर वल्नरेबिलिटीज, वल्नरेबिलिटीज का मतलब है कि लगभग उस वजह से वो वीकन हो जाते हैं। जैसा कि किसी भी वैम्पायर के साथ होता है, वो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जा पाते, लेकिन ब्लेड हाइब्रिड होने की वजह से इससे इम्यून है, यानी कि इससे परे है, वो डायरेक्ट सनलाइट में जा सकता है। इसी के साथ वैम्पायर्स को सिल्वर के साथ प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसमें एक मिस्टिकल प्योरिटी होती है, लेकिन ब्लेड के साथ ऐसा कुछ नहीं है। उसने एक बार एक सिल्वर वेपन से खुद को चोट पहुंचाई और वो किसी भी नॉर्मल ह्यूमन की तरह उससे हील भी कर गया, इस वजह से वो इस सब से परे है। लिमिटेशन या फिर वीकनेस, ब्लेड की एक ही वीकनेस है जो कि सारे वैम्पायर्स और उनके गुलामों में होती है, वो है फ्रेश ब्लड निगलने का। उनके जिंदा रहने के लिए उन्हें यह करना पड़ता है। ब्लेड ने भी यही किया और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो मारा जाता। इसके बदले में उसने एक सीरम का सहारा लिया जो कि ब्लड के जैसा ही सेम नरिशमेंट उसे प्रोवाइड करती थी। अगर ब्लेड उस सीरम को नहीं लेता एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के बाद तो वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता और अपने ऊपर का कंट्रोल खोकर वो किसी भी ह्यूमन पर अटैक करने लगता। अगर वो खून या फिर सीरम नहीं लेता तो कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे कमजोर होकर मरने की कगार पर पहुंच जाता।